2021 में मुझे कौन सा स्कूटर लेना चाहिए, होंडा एक्टिवा 6G या फिर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर? तो देखिए, 2021 में आपके पास स्मार्ट LED टीवी का ऑप्शन है, तो आप रेट्रो स्टाइल डब्बा टीवी क्यों लेने जाएंगे? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जान लेते हैं इन दोनों स्कूटर का प्राइस। तो होंडा एक्टिवा 6G का जो प्राइस है वो है 73,345 रुपीज, और वहीं ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो प्राइस है, तो देखिए इसमें तीन वेरियंट आते हैं। एक आता है 80 किलोमीटर रेंज वाला, दूसरा आता है 150 किलोमीटर रेंज वाला, और तीसरा आता है 240 किलोमीटर रेंज वाला। तो इन तीनों में से जो 150 और 240, इन दोनों का रेंज 1 लाख के ऊपर है, तो इन दोनों को मैंने छोड़ दिया है। मैंने 80 किलोमीटर रेंज देने वाले स्कूटर को लिया है, क्योंकि उसी का प्राइस 1 लाख के नीचे होने वाला है, और ओला होंडा एक्टिवा 6G का भी जो प्राइस है वो 1 लाख के नीचे है। बात करते हैं एवरेज और रेंज की। तो देखिए, होंडा एक्टिवा 6G में आप जितना मर्जी पेट्रोल बढ़ाइए उतना आगे बढ़ते जाइए, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। और वहीं जब ओला स्कूटर का बात आता है तो यहाँ आपको लिमिट मिल जाता है, इसमें आप 80 किलोमीटर ही चल सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते हैं सिंगल चार्ज में, और सारा खेल ये 80 किलोमीटर रेंज का ही है। अब ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में कोई फ्यूल टैंक तो है नहीं, ये फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पे काम करता है, और इस पे लगा हुआ है 11.55 किलोवाट का लिथियम आयन बैटरी पैक, और इसे एक बार सिंगल चार्ज करते हैं तो ये कंज्यूम करेगा 1.5 यूनिट बिजली, और इसका कॉस्ट आएगा पर डे, जैसा मैं कोलकाता से हूँ, और यहाँ पे अगर आप पर यूनिट का चार्ज देखेंगे तो यहाँ पे है 4.89 पैसे पर यूनिट। तो उस हिसाब से इस स्कूटर को आप अगर सिंगल चार्ज करते हैं तो 1.5 यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा, और उसका कॉस्ट आएगा 7 रुपये करीब 34 पैसे। वहीं आप 80 किलोमीटर रेंज अगर होंडा एक्टिवा 6G से लेना चाहते हैं तो इसका कॉस्ट आ जाएगा 145 रुपीज़, क्योंकि अभी जो पेट्रोल का प्राइस है वो 100 रुपीज़ के ऊपर है। तो होंडा एक्टिवा आपको 55 किलोमीटर तक का रेंज देगा 1 लीटर के पेट्रोल में। अब बात आती है फ्यूल रिफिलिंग की। तो देखिए, होंडा एक्टिवा 6G में आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं, 5 मिनट का टाइम देते हैं, अपना टैंक फुल करवाते हैं और अपने रास्ते निकल जाते हैं। वहीं जब ओला इलेक्ट्रिक का बात आता है तो ओला के हाइपर चार्जिंग नेटवर्क होने के वजह से ये आपको हर IT पार्क, मॉल्स में और पॉपुलर लोकेशन में आपको इनका चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा, और इस चार्जिंग स्टेशन में जो आपको स्कूटर चार्ज करने का टाइम लगेगा, अगर आप 18 मिनट चार्ज करते हैं तो यहाँ आपको ये 75 किलोमीटर तक का रेंज दे देगा, और 18 मिनट भी आपके पास टाइम नहीं है तो आप मिनिमम 9 मिनट भी चार्ज करते हैं तो 37 किलोमीटर तक चलने का ये आपको रेंज दे देगा। तो इतना ही फ़र्क है इसमें आपका लग जाएगा, आपको पैसे भी खर्च करना पड़ेंगे पेट्रोल के लिए और आपका टाइम लगेगा 5 मिनट, यहाँ आपको 4 मिनट एक्स्ट्रा देना पड़ता है, लेकिन आपके पैसे खर्च नहीं होंगे। अब बात करते हैं पर मंथ कॉस्ट इन दोनों ही स्कूटर का। तो देखिए, होंडा एक्टिवा 6G को अगर आप 30 दिन के लिए चलाते हैं पर डे 80 किलोमीटर के हिसाब से तो ये 2400 किलोमीटर होगा, और इसका जो कॉस्ट आएगा वो आएगा 4368 रुपीज़ पर मंथ। और वहीं ओला स्कूटर को आप पर डे 80 किलोमीटर के हिसाब से चलाते हैं तो ये भी जाएगा 30 डेज में 2400 किलोमीटर, और इसका कॉस्ट आएगा सिर्फ 220 रुपीज़ 20 पैसे पर मंथ का कॉस्ट आएगा। अगर आप एक साल में 80,000 किलोमीटर चलते हैं होंडा एक्टिवा 6G से तो इसका एक साल का जो फ्यूल कॉस्ट आएगा वो आएगा 52,416 रुपीज़, और यहाँ पे आपको ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में ह्यूज सेविंग हो जाता है। इस स्कूटर का जो पर ईयर का कॉस्ट है, अगर आप 80,000 किलोमीटर चलते हैं तो इसका सिर्फ कॉस्ट आएगा कितना, 2642 रुपये का, ये इसका पर ईयर का कॉस्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं आपके पास करीब 50,000 का ह्यूज सेविंग हो जाता है पर ईयर में। अब सर्विस कॉस्ट भी देख लेते हैं। तो होंडा एक्टिवा 6G को अगर आप 80,000 किलोमीटर चला देते हैं एक साल में तो आपका कॉस्ट आ जाएगा 2411 रुपये, और इलेक्ट्रिक स्कूटर में तो कोई मेंटेनेंस है ही नहीं, अगर आप थोड़ा सा टेक्नीशियन का काम जानते हैं तो, अगर नहीं जानते हैं तो इसका कॉस्ट आएगा 80,000 किलोमीटर चलने के बाद 800 से 900 रुपये पर ईयर। अब शुरुआत में मैंने आपको स्मार्ट LED टीवी और रेट्रो स्टाइल डब्बा टीवी के बारे में बताया था। तो देखिए, एक्टिवा 6G में आपको जो कंसोल मिलता है वो ओल्ड टाइप का कंसोल मिलता है, जिसमें आपको स्पीड मीटर, ट्रिप मीटर, RPM और किलोमीटर, ये सारा सब कुछ आपको दिखाएगा, और बहुत ज़्यादा होगा तो ब्लूटूथ कनेक्ट भी आपको मिल सकता है। तो ये समझ के चलिए एक हिसाब से ये अब रेट्रो स्टाइल हो गया है,
तो अभी आप ओला स्कूटर को देखें तो इसमें आपको फ्यूचरिस्टिक डिजिटल टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है, साथ ही साथ इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, जीपीएस, ब्लूटूथ, फाइंड माय स्कूटर, बिल्ट इन ब्लूटूथ स्पीकर और OTA अपडेट मिल जाता है इस स्कूटर में। और ये तो तय है IC इंजन स्कूटर आने वाले टाइम में कुछ इस तरीके से लुप्त हो जाएगा जिसे गूगल चाह के भी ढूंढ नहीं पाएगा। तो ये था मेरा वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।